नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में दिखाए गए दृश्य किसी की भावनाओं को आहट पहुंचाने के लिए नहीं है, तो घबराएं नहीं, वीडियो का मजा लें और अपने कान में ईयरफोन्स डाल लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं गाइस। ये देखिए, ये है कुंड। यहाँ पे कौन आता था यहाँ पे, अब ये तो नहीं पता कौन से राजा का था, लेकिन यहाँ पे राजा नहाते थे गाइस। अभी बहुत ऊंचा चढ़ना है हम सबको, आप देख भी सकते हैं कितना ऊंचा पर्वत है ये। मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से, मुझे पानी की सख्त ज़रूरत है। पानी है क्या उधर गाइस? आप देख सकते हैं मुझे पानी मिल चुका है गाइस। गाइस ये देखिए, लेकिन इस नल की खास बात यह है कि इसमें से पानी नहीं आता। यहाँ चाबी रखा है, ये चाबी कैसा है? ओके गाइस, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। यहाँ से तो शायद जाने का रास्ता भी खत्म हो चुका है। नहीं, रास्ता है, निकालना पड़ेगा, कांटा वाटा लगेगा। अभी हम बहुत ही मुश्किल रास्ते में हैं, आप लोग संभल के चलना, बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये। ओके गाइस, मैं कुछ टाइम बाद बात करता हूँ, नहीं तो व्लॉगिंग के चक्कर में मेरे लौड़े लग जाएंगे। तो गाइस, हम लोग लगभग आ ही चुके हैं। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, सब चीज़ें कितनी ही छोटी छोटी दिख रही हैं, देख लीजिए आप। और यहाँ से पूरे पहाड़ का नज़ारा मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे दोस्त वहाँ हमसे दूरी पे काफ़ी खड़े हैं, और इनको अभी यहाँ आने में विलंब लगेगा, और ये एक आने की कोशिश कर रहा है। आराम से आना। और ये हम आ चुके हैं, अभी हमारी थोड़ी सी और 100 फीट की ऊंचाई और बाकी है, 100-150 फीट की। और ये देखिए प्रभु जो है, और यहाँ से हवा बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी अच्छी हवा आ रही है। याहू, हवा बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ से। चलो आ जाओ, बस करो, चलते हैं ऊपर बनाएंगे अब। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। गाइस मैं, हम लोग बहुत थक चुके हैं, आखिरकार हम लोग पहाड़ी की चोटी पे पहुँच चुके हैं। ऊपर एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा किला है, आप देख सकते हैं, ये एक प्यारा सा छोटा सा किला है। यहाँ तक आने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी हम सबको, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू दिख रहा होगा आपको। काफ़ी ऊंचा पर्वत था ये, चढ़ने में हम सबकी हालत ख़राब हो गई, आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरे सिटी को हम देख सकते हैं। अभी हम किले में विजिट करने वाले हैं, मेरे दोनों चुटिया दोस्त देखिए कितने जोश में हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सब। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमें एक प्यारी सी मंदिर देखने को मिलेगी। बहुत प्यारी जगह है। आज का थोड़ी लिखाई है, बहुत तरह का लिखा होगा। ऐसी जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होती हैं, चलो इसलिए मैं आप सबसे विनती करूँगा कि देख के चले, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रवेश वर्जित है। मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए प्रवेश वर्जित है, फिर भी हम लोग रिस्क ले रहे हैं गाइस, आप सब के लिए रिस्क ले रहे हैं गाइस। आप सब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। ये देखिए कटोरी, गाइस आप देख सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे कोई रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी डरावनी जगह लग रही है मुझे, कहीं हम लोग गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं? काफ़ी अच्छी जगह है, मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप
जिस कोने में भी चले जाएंगे वहाँ पे आपको सिर्फ सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और दूर दूर तक घने पहाड़ियाँ ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, धीरे धीरे हम लोग किला की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या उधर अंधेरा है क्या? आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है। ये देख सकते हैं गाइस आप, काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी टाइम पहले ये किला को बनवाया गया था। ये देखिए, ये शायद कुआं टाइप का है, यहाँ पानी लेने के लिए राजा महाराजा आते होंगे। काफ़ी थक चुका हूँ गाइस, आप सबको शायद मेरी वॉइस अच्छे से ना आ रही हो, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये सब बने हैं छोटे छोटे, इसलिए क्योंकि यहाँ से। तो हमारे साथ हैं आर्कोलॉजिस्ट परफेक्शनल प्रिंस पांडे, वो हमें बताना चाहेंगे इस किले के बारे में। तो प्रिंस जी, आप हमें बताइए कि ये जगह, ये जो छोटे छोटे छेद हैं, ये छेद क्यों बनाए गए हैं? ये क्योंकि यहाँ से जो है हमारे सैनिक जो होते थे, इनके राजाओं की रक्षा करने के लिए, उनके लिए छोटे छोटे छेद बनाए गए हैं कि इनको यहाँ से जो है देख ना पाए कि वहाँ से क्या दुश्मन आ रहा है, वो देख के यहाँ से फायरिंग कर पाए। इस वजह से छोटे छोटे छेदों को कई सारे बनाए गए हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ऊपर भी बहुत सारे छेद बनाए गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे तोप वगैरह, तोप या फिर ऐसे कुछ मिसाइल चीज़ की तोप नहीं रखते थे, बस छोटे छोटे घर में फायरिंग करने के लिए रखा जाता था। और इन दैट केस अगर दुश्मन बहुत पास आ जाए, और कहते हैं जो राजा महाराजा असमर्थ होते थे, तो रानियाँ क्या करती थी, घर से गर्म गर्म खौलता हुआ तेल और पानी उठा के डाल देती थी जो भी चढ़ाई करने आते थे, और वो जल भून के ख़त्म हो जाते थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप लोग की जानकारी मेरे किसी काम नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। अब अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। अपना मोबाइल दीजिए, मैं आपको अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स देना चाहूँगा ताकि आप उसके फ्लैश से उसको उजालित कर दें। रुकिए, मैं आपको दे रहा हूँ अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स। उधर मत जाओ, कुछ नहीं, अंदर चलते हैं। ये देखिए, मेरा चुतिया दोस्त है, यह समय कुछ ना कुछ एडवेंचरस करना चाहता है। ये देखिए, चलो इसे कुछ भी कह सकते हैं आप। तो अब हम जाने वाले हैं बहुत ही अंधेरे गुफा टाइप के किले के अंदर, बहुत अंधेरा है वहाँ पे। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा।